अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं भाई? बैठे ना सर, आपसे हमने सवाल और जवाब का सिलसिला आज जारी रखना है। बिल्कुल, अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि कहां कहां बैरियर डूबे नहीं डूबे, सिचुएशन क्या है, ये हमने दिखाना है अपने व्यूअर्स। बिल्कुल सही, अभी चलते हैं हम। तो चलें स्टार्ट करें, फिर चलते हैं। मैं था ऑफिस और कुछ गेस्ट आए हुए थे, बस उनको थोड़ा सा टाइम दिया। सही है यार, मैंने हमेशा लोगों से यही सुना है कि आप बारिश में तो दिखा देते हो, लेकिन जब बारिश खत्म हो जाती है तो आप जब कराची को बोलते हो कि बारिश के बाद खराब सिचुएशन होती है, क्योंकि अभी ना बड़ी शदीद बारिश हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस शदीद बारिश के बाद सूरत हाल कैसी बनी है, तो आज हम चलकर जरा अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल मेन जिना एवेन्यू से। ठीक है, मेन जिना एवेन्यू से स्टार्ट करते हैं। अतीक भाई, ये जरा सा हमें ये राउंड अबाउट है, इसको कम्प्लीट करते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चल सके कि भाई ये सिचुएशन है। ये राउंड अबाउट हम कम्प्लीट करते हैं। भाई, आपका माशाल्लाह काफी अच्छी ग्रिप है यूट्यूब के ऊपर, तो आप जो है इतने अगेंस्ट क्यों चलते हैं वैसे बैरियर? अतीक भाई, अगेंस्ट की बात नहीं है, देखें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमें डिस्कस करनी चाहिए। ठीक है अब यहाँ पे जो मसाइल हैं तो उनके ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए ना। अब मैं अगर बात कर रहा हूँ कि भाई बारिश के बाद की क्या सूरत हाल है, हमें वो भी दिखानी चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ी देर पहले अतीक भाई यहाँ से गुजरा था, ये अगर आप कैमरा फोकस करें, यहाँ पे बहुत शदीद पानी था। ये आप थोड़ा आगे करके सही से जरा व्यूअर्स को दिखाएं, बहुत शदीद पानी था यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अभी बारिश रुके हुए कितना टाइम हुआ है? आप कह लें कि 5 मिनट भी नहीं हुए मुश्किल से, लेकिन आप ये देखें कि रोड्स पे आपको पानी नजर आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आपको मेरा अगेंस्ट नजर आ रहा है तो मेरी ये वाली चीज भी आप देखें ना। बिल्कुल ऐसे ही है, क्या ख्याल है? मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि भाई हम यार सिर्फ नेगेटिव बात करते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम पॉजिटिव बात करते हैं। आपको ये मैं पूरी जगह दिखाता हूँ अतीक भाई, ये सारा आप देखें, ये मेन, ये जहाँ से जब मैं गुजरा हूँ ना, तो इतना शदीद यहाँ पे पानी था कि यकीन माने गाड़ी चलाना मुश्किल हो चुका था। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है आप देखें, मौसम अभी भी बना हुआ बारिश। बिल्कुल ऐसी है, बारिश होती है तो फौरन से और एक और चीज ये जो है वो एक्टिव हो जाता है। ये आप चेक करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ये भी चल रही है, सही है। तो किसी किस्म के कोई ऐसे मामला नहीं है कि आपको गाड़ियां खराब हुई भी नजर आएंगी। बिल्कुल सही। या आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी नजर आएगा। बिल्कुल। और ये मौसम आप चेक करें ना, कितना खूबसूरत मौसम है यहाँ। इस मौसम को भाई एंजॉय करने तो आओ, एटलीस्ट देखो तो सही इसको। ऐसा ही है। तो हम आगे भी चल के देखते हैं भाई। चलो, ये तो मेन की बात है, लाल चना एवेन्यू को हम पूरा कवर करते हैं और देखते हैं कि भाई इस टाइम जो है अगर बारिश हुई है तो कितना पानी जो है वो बहरिया टाउन के अंदर आके रुका है, या पूरा जैसे कहाँ गाड़ियाँ खराब है। बिल्कुल सही है। और सर्विसेज जो है वो बंद हो जाती है क्या बहरिया टाउन के अंदर बारिश होने के बाद? ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, चलें आगे चल के देखते हैं। अच्छा, आज मेरे साथ है साजिद भाई और हम लोग बहरिया टाउन को कवर कर रहे हैं क्योंकि बारिश हुई है बड़ी शदीद किस्म की यहाँ पे। और बारिश के बाद हम लोग देखने के लिए निकले हैं कि बहरिया टाउन की सड़कों पे कितना बारिश। ये दिखाएं व्यूअर्स को, दिखाएं इंतजामिया, ये जरा यहाँ से दिखाएं, ये दिखाएं, आप चेक करें कि इंतजामिया किस तरीके से एक्टिव है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम सिर्फ कहते नहीं है भाई, यहाँ होता है ऐसे ऐसे ही। हमने आज ये फैसला किया कि हम बारिश के बाद, लोग तो निकलते हैं ना बारिश में, ऐसे ही है। हमने सोचा कि हम बारिश के बाद निकलेंगे, दिखाएंगे व्यूवर्स को क्या हालात है। ये देखें जरा आप, क्या बैरियर डूब चुका है, क्या बैरियर डूब चुके हैं। सही, लोग कहते हैं ना बैरियर डूब गया, बैरियर में गाड़ियां तैर रही हैं और रोड खराब है। अरे भाई आ जाओ एक दफा देख लो यार, ये आप चेक करें नजर, ये देखें जरा। और हम आपको मजीद भी दिखाएंगे, ऐसा नहीं गेट के साथ दो कदम, हम आपके आगे भी जाके दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम जा रहे हैं फ्यूल डलवाने के लिए, उसके बाद हम लोग जो है बाकी एरिया भी विजिट करेंगे। और अभी एक चीज आपको दिखानी है, नजर आ गया मुझे ये पानी नजर आ गया सर। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ है इंतजामिया? ऐसे ही आ जाएगी सर, अभी देखिएगा, ये थोड़ी देर बाद आप वापस आएंगे फ्यूल डलवा के ना, तो यहाँ पे पानी नहीं होगा। आप एक काम करें, कॉल करें और उनको बताएं यहाँ पे पानी जमा हुआ। बिल्कुल, ये देखें, ये देखें, ये भी चेक कर रहे हैं, ये भी देख रहे हैं सर। मैं यहाँ गलत हो गया, चीजों को टाइम लगता है ना, मैनेज लगता है। बिल्कुल, क्योंकि इतना बड़ी जगह है, फौरन ये देखें, एक और गाड़ी पीछे से आई, एक और गाड़ी आई, लेकिन ये जो है ये सर, ये कहाँ से इतने एक्टिव हो गए? बिल्कुल, ये एक्टिव हो जाते हैं फौरन से, और इनके ऊपर बड़े सख्त ऑर्डर है। अच्छा, कि भाई पानी शानी या ये वाले मामला, ये किसी जगह पे कोई भी ऐसी कोई चीज पड़ी हो तो आपने लाजमी जो है उसको फौरन से पहले क्लीन करना है। चलें भाई, ये तो है पेट्रोल पंप जहाँ पे पेट्रोल फ्री मिलता है, तो आप जब भी बैरिया आए तो यहाँ से फ्री में पेट्रोल जरूर डलवाएं। मगर बैरिया आने के लिए पेट्रोल पंप भी अपना होना चाहिए ना। सही बात, नहीं यहाँ से फ्री मिलता है मैंने सुना। ये देखे आ गई ना गाड़ी, मैं आपको बता रहा था कि पेट्रोल डलवा के जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो गाड़ी आ जाएगी। बिल्कुल सर, गाड़ी आ गई है। अभी मैं अतीक भाई से यही जिक्र कर रहा था, ये मैं आप सबको दिखाता हूँ। ये आप चेक करें, तो भाई गाड़ियां यहाँ घूम रही होती हैं, ऐसी बात नहीं है। असल में मेरी अभी जो अतीक भाई से बात हो रही थी वो ये हो रही थी कि अतीक भाई कहते हैं कि यार मैंने उनको पानी दिखाया, मैंने उनको कहा कि यार पानी यहाँ पे बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, मैंने कहा यार थोड़ा सा टाइम दे तो आपको ये गायब होता हुआ नजर आएगा। सिर्फ उनके पेट्रोल डलवाया अतीक भाई,
पेट्रोल डलवा के हम जब ऐसे यहाँ पे पहुंचे तो ये सिचुएशन आप देख सकते हैं साथ साथ, तो काफी हद तक इन्होंने कम कर दिया। और मजीद भी अभी आपने खुद देखा स्क्रीन पे जो गाड़ी घूमी है, थोड़ा सा टाइम लगता है ना क्योंकि अभी बारिश का भी टाइम है, ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी बारिश हो भी रही है, अभी भी हो रही है, जैसे बारिश जो है वो स्टॉप हो जाएगी और गाड़ी आ गई तो ये पानी वगैरह सारी चीजें क्लोज हो जाएगी इंशाल्लाह। एक और गाड़ी आ गई, बिल्कुल बिल्कुल, ये चेक करें आप, एक और गाड़ी आ गई है, आगे भी चलकर देखते हैं, देखते थोड़ा सबर करें, आगे भी देखते हैं आगे क्या मामला है। आज जो बारिश हुई है वो हुई है बहुत खतरनाक, एक और गाड़ी गुजर रही है, तो ये इंतजामिया को नजर आ रही है, आगे चल के देखते हैं ना, आगे वालों को शिकायत रहती है, बिल्कुल बिल्कुल, आगे वाले कहते हैं कि हमें ज्यादा शिकायत रहती है तो हम आगे चल के देखते हैं, जाते हैं आगे, हम जाके सारा इसको अच्छा सा देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और उसमें हम लोग अपने जो देखने वाले जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बताएंगे कि बैरिया टाउन में अगर आप रहते हैं, जैसे शहर के अंदर ऐसे मसाइल चल रहे हैं तो यहाँ पे हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं, हर जगह होते हैं क्योंकि एक इतनी बड़ी सोसाइटी है, तो बट ये है कि काफी हद तक काफी चीजें ये भी अच्छी है। लेकिन मैं बताऊँ कितनी कराची डूबी होंगे अभी, नहीं कराची में भी इस हिसाब से आज बारिश नहीं हुई, मंडे का दिन है, थोड़ी थोड़ी बारिश नहीं, मेरे पास एयरपोर्ट से रिपोर्ट आई है बहुत शदीद बारिश हुई है एयरपोर्ट से, यहाँ एयरपोर्ट के पास भी है, मुझे आगे कराची शहर में, कराची अगर आप जाते हैं ना सिटी में तो इस टाइम इतनी रोडों के बुरे हालात है ना कि अगर आप वहाँ पे जाए तो हम लोग कितना मजे से यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे ड्राइव जो है इस टाइम अगर आपने मौसम के अंदर ड्राइव करनी है ना तो वो आप मेन जिना एवेन्यू पे मेन गेट से आप एंटर हो और स्पोर्ट सिटी एफल टावर तक चले जाए, बिल्कुल ऐसे जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं ना हाथ छोड़ के। ये देखा ये कराची के स्पाटर हैं, ये खजूरें तोड़ रहे हैं इस टाइम ना थीम पार्क के पास बैरियर टाउन में, यहाँ पे मिल गया सिक्योरिटी और जो इंतजामिया वो कहीं और मसरूफ है, ये यहाँ मसरूफ है। अच्छा देखो आज थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है बारिश की वजह से थीम पार्क, आज मंडे का दिन भी है ना तो इस वजह से भी काफी ज्यादा जो है वो थोड़ी कम पब्लिक है, अदरवाइज आप हफ्ते वाले दिन या इतवार वाले दिन आप निकले पाए तो आपको इतने स्पाटर मिलते हैं कराची के, बड़ा मजा आता है। अभी आप शाम होने दें, सही है ये पब्लिक आप देखना, अभी लोगों को पता चल गया बारिश हो गई है, कराची वालों के पास और कोई जगह नहीं है सर। सर मैं लास्ट अपने जितने भी वीडियोस है ना उसमें मैंने यही बात की कि आपको ऐसी जगह नहीं मिल सकती जहाँ पे इतने सारे पिकनिक पॉइंट आप एक दिन में कवर करना चाहें एक दिन में कर सकते हैं, और ये दो तीन दिन में करना चाहें दो तीन दिन में, और सारे पॉइंट आपके बिल्कुल करीब करीब है। अच्छा दीप भाई दूसरा ये कि आपके और हमारे मेरे चैनल से हम लोग मेरा ख्याल है हमें इसका विजिट कराना चाहिए थीम पार्क का, नहीं इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग प्लान करते हैं और थीम पार्क को पूरा कवर करके लोगों को दिखाएंगे। अब ये दिखाएं ये जो दरख्त टूटे हैं तूफान, बिल्कुल गाड़ी आ गई है, ऐसा नहीं ये पड़े रहेंगे इधर, ऐसे ही है। अच्छा एक चीज बताऊं आजिद भाई आ जाएं, और आज हम लोग जो है पूरा बैरिया कवर कर रहे थे उसमें क्योंकि बारिश का सीजन चल रहा है आप लोगों को भी आइडिया है, तो आज मैं बहुत अच्छी और प्राइम लोकेशन पे आया हूँ, अक्सर आप लोग चैनल्स पे देखते भी रहते हैं, बहरिया की सबसे बड़ी मस्जिद है ये और पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद और वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट ये मस्जिद है। अजीब भाई यहाँ पे तो स्टैमिना भी पता, भाई देखें माशाल्लाह बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल ख्याल से गिर नहीं जाना नीचे यहाँ पे। अगर आप कभी जाएँ ना अतीक भाई मरी इस्लामाबाद जाएँ तो आप पहाड़ से जब उतरते हैं तो आपको चोट लगने का खतरा होता है, ऐसा ही है क्योंकि हमारी वहाँ पे प्रैक्टिस हुआ करती थी, अब यहाँ पर आकर सारी प्रैक्टिस खराब हो गई है। लेकिन तो पहाड़ों को भी माशाल्लाह ऐसे बना दिया ना कि आपको किसी चीज का खतरा नहीं है यहाँ पे, आप देखें कि आपको जो विजिबिलिटी है दूर दूर तक आपको ऐसे ही है सारी चीजें क्लियर नजर आ रही, बिल्कुल सारी चीजें क्लियर आपको नजर आ रही है। ये मस्जिद है आप देख सकते हैं, कैसा लगा आपको यहाँ पे मस्जिद का जो पॉइंट है, आप तो यहाँ पे गुजरते रहते हैं क्योंकि आपका घर तो यहाँ पे बैक साइड पे ही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको पर्सनली बताऊँ मुझे सबसे ज्यादा ना बैरिया में सबसे ज्यादा, थोड़ा सा कैमरा मेरी तरफ भी करें,
सबसे ज्यादा अतीक भाई मैं अगर खुश होता हूँ ना, एक ये मस्जिद वाली जगह पे दिखाए थोड़ा, मस्जिद वाली जगह पे ठीक है ये जगह, और एक और कैमरा मेरी तरफ करें, एक और ये रहा ये, अगर किसी ने ये हिल टॉप नहीं देखा है ना उसने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा ऐसे ही है। जो कहते हैं ना जिसने लाहौर नहीं देखा उसने वो जमे नहीं जमे नहीं, ये हिल टॉप नहीं देखा वो नहीं जमा है, ऐसे ही सही है। तो ये मेरे ख्याल है मुहावरा में उल्टा सीधा मार रहा हूँ, नहीं नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसे ही है। जिसने ये नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा, वही ना समझने के लिए इशारा काफी होता है, आपने इशारा कर करके बता दिया कि ये वाली जगह अगर आपने नहीं देखी तो आपने कराची में बैरिया में कोई ऐसी यानी कि। सर मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ, आप मानेंगे इस बात को कि आप इस टॉप पे जाएं इस मौसम में ठीक है, आपके पास जो ये 14 प्रो कैमरा है इससे अगर आप एक पिक्चर लेना चाहें ना तो आप कराची की हाई राइज बिल्डिंग्स का भी को भी कैप्चर कर सकते हैं, ये इतनी हाइट है ये। अच्छा ये इतनी हाइट है, बिल्कुल सही। कराची की जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उसको भी इस मौसम में, क्योंकि इस मौसम में आपको पता है हर चीज क्लियर हो जाती है, सही है। तो इस वजह से आप काफी चीजों को यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं, बहुत हाइटेड जगह। नहीं हम दिखाएंगे वो वाली भी जगह दिखाएंगे हम जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स के अंदर जो है बहुत सारे ऐसी ऐसी जगह लेके आएंगे जो बैरिया में अभी तक लोगों ने नहीं देखी इंशाल्लाह। तो यार आज की वीडियो से इजाजत चाहूंगा, इंशाल्लाह ताला एक दफा फिर नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आप सबसे मुलाकात होगी। अतीक भाई आज की वीडियो से इजाजत दें सर, बैरिया टाउन जो कि इस वक्त आप देख सकते हैं बिल्कुल रोड्स क्लियर हो चुके हैं, आप भी दिखाएं साथ साथ बिल्कुल। तो इंशाल्लाह जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साजिद भाई ने बहुत अच्छा टाइम दिया मुझे और आज हम लोगों ने पूरा व्लॉग जो है वो साथ में कवर किया, तो ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपको मिलते रहेंगे, वीडियोस मिलती रहेंगी। डिटेल्स के लिए आपके पास हमारे नंबर्स भी हैं और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को भी प्रेस करें, शेयर करें जितना कर सकते हैं, और घंटी आपने जिस तरह नहीं वो बचपन में बजा के बच्चे भाग जाते हैं तो वो आपने बजानी है, दबानी नहीं है बजानी है, ताकि हर अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके इंशाल्लाह दोबारा।